सचिन पायलट पर अशोक गहलोत का अब तक का सबसे बड़ा हमला, बोले नकारा और धोखेबाज। सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा मेरी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है, मैं आरोपों से दुखी हूं लेकिन हैरान नहीं। पायलट ने कांग्रेस से बीजेपी में लाने के लिए 35 करोड़ की पेशकश का आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, मामले 11 लाख के पार। इस बीच एम्स से आई अच्छी खबर, जहां शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया पहले और दूसरे फेज का ट्रायल एक साथ शुरू किया गया। सैकड़ों वॉलंटियर्स ने अपना नाम रजिस्टर कराया। पहले फेज के लिए 18 से 55 साल के स्वस्थ लोगों को ट्रायल के लिए रखा जा रहा है, जबकि दूसरे फेज में 12 से 65 साल की उम्र के लोग शामिल हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 महीने में रिजल्ट नजर आने लगेगा। गुजरात में बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव, नवसारी से सांसद सीआर पाटिल को गुजरात बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही पार्टी के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल को लद्दाख इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। तीसरी बार सांसद पाटिल ने जीतू वघानी की जगह ली है। उन्होंने पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। वहीं नामग्याल को लद्दाख में लोकप्रिय माना जा रहा है। पंजाब से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, बीएसएफ ने गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली रावी नदी से अवैध रूप से आयात हेरोइन के 60 पैकेट किए जब्त। पैकेट लंबे फैब्रिक ट्यूब्स में छिपाए गए थे, जो नदी में तैरते जलकुंभी के एक समूह से बंधे हुए थे। बताया जा रहा है कि कोरोना में हेरोइन की ये खेप पाकिस्तान की साजिश है। असम और बिहार में बाढ़ से हाहाकार, अब तक 110 से ज्यादा लोगों की मौत। असम के 25 जिलों में बाढ़, 28 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। वहीं बिहार के 8 जिलों में बाढ़, 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। पहाड़ों में भूस्खलन से आई तबाही, यूपी में कई जगह बाढ़ जैसे हालात।